हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उत्कर्ष अग्रवाल और मैं आज आप लोगों को फिफ्थ लेक्चर लेने आया हूँ जावा की। इस जावा के बहुत लेक्चर्स को लंबा नहीं करते हुए मैं जो है जल्द से जल्द आपको एक रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने चार लेक्चर्स किए। चार लेक्चर्स में हम लोगों ने चार तरह की चीज़ें देखी जावा की। एक था जावा फंडामेंटल्स, जावा फीचर्स, जावा डेटा टाइप्स और जावा ऑपरेटर्स। अब हम आए हैं जावा के एक्सप्रेशंस के ऊपर। जावा एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या करते हैं, अब हम प्रोग्रामिंग जब लिखते हैं, यानी कि अगर हमने लिखा ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो रिजल्ट हमारा सी में स्टोर हो रहा है। ये पूरा जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। ये ध्यान दीजिएगा, जब हम कहीं ऑपरेशंस कर रहे हैं किसी भी चीज के ऊपर, वो क्या हो जा रहा है? एक्सप्रेशन हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा ये है, ये भी हमारा एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको स्टेटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है, मगर इसको स्टेटमेंट से ज्यादा हम लोग एक्सप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। चार तरह के एक्सप्रेशन होते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, रिलेशनल एक्सप्रेशन, इसके बाद लॉजिकल एक्सप्रेशन और फोर्थ होता है बूलियन एक्सप्रेशन। चारों चीजों को मैंने आपको ऑपरेटर्स में भी कवर किया था। जैसा कि नाम से मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर है। अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स से या गणित से डील करने वाले सारे एक्सप्रेशंस को हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। इसके अंदर रेडीमेड फंक्शंस भी होते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहते हैं हम लोग, जिसके बीच में दो चीजों के बीच में रिलेशन देखा जाता है, जैसे कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, इक्वल इक्वल टू वाई इज एस, ये हम इफ एल्स में देखते रहेंगे। इसके बाद हमारा था एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई या एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस में। लॉजिकल एक्सप्रेशंस में ये टर्म तो है हमारा, रिलेशन तो है, आप देखो, मगर इसके बीच में एक लॉजिकल एंड लग गया, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया था। आप इसका ध्यान देना, जब ऑपरेटर्स को मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर 3 प्लीज आप लोग रेफर कर लीजिए, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हम लोग बहुत ही बेसिक बेसिक चीजों से शुरू करते हुए अब थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आज हम लोग ऑलमोस्ट प्रोग्रामिंग के सारे चार कॉन्सेप्ट, पांच कॉन्सेप्ट जो होते हैं उसको सीखने के बाद हम प्रोग्रामिंग पार्ट में आएंगे। प्रोग्रामिंग पार्ट में जाने के बाद मैं छोटे छोटे पार्ट्स उनके जो होते हैं वो प्रोग्राम के साथ ही डिटेल्स करता रहूंगा, जिससे आपको ईजी हो समझने में कि हम कर क्या रहे बेसिकली, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा बुलियन। बुलियन में मैंने आपको बताया था ट्रू या फॉल्स में एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि x इज ग्रेटर देन y, अगर x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 110 है, और हम ये एक्सप्रेशन लिखते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, तो ये क्या होता है? तो इसके अंदर ये रिजल्ट आएगा फॉल्स। तो ये क्या हो गया? बुलियन एक्सप्रेशन हो गया। बस इस तरह से लिखने के तरीके को हम क्या कहेंगे? ये बुलियन एक्सप्रेशन कहेंगे इसको, ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट वेरिएबल, लॉजिकल एंड रिलेशनल्स का होता है बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आते हैं एक एग्जाम्पल देखिए एक्सप्रेशन के ऊपर। रिजल्ट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इंटू, ये स्टार का जो साइन मैं बताता हूं ये क्या है? ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। ये हमारे प्रोग्रामिंग टर्म में कंप्यूटर के अंदर जिसको मल्टीप्लाई माना जाता है, इसको स्टार नहीं माना जाता है, ठीक है। जब हम इसको एक्सप्रेशन में यूज करते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर देता है, बाकी इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है ना। अर्थमेटिक फंक्शंस के, अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर हमारे इस तरह से रेडीमेड फंक्शंस भी होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, पावर एक्स कॉमा वाई, एस क्यू आर टी ऑफ एक्स। एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एक्स इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया, वाई इज इक्वल टू 20 ले लिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, एक्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी थी, वाई का पावर कितना है, वाई का पावर हमको स्टोर करना था, तो मैथ डॉट पाव एक्स, इसको हमने 10 ही ले लिया, मैट डॉट पाओ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो एक्स क्या हो गया हमारा? 10 हो गया, 10 टू द पावर 20, इसका मतलब हो गया 10 टू द पावर 20। ये वैल्यू किसमें स्टोर हो जाएगी हमारी? एक अलग से z वेरिएबल ले लीजिए, इसको करेक्ट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू 10 टू द पावर 20, इसका मतलब ये हो गया, यानी कि एक सिंगल लाइन के अंदर ये एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग डायरेक्ट पावर निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, साइन कॉस थीटा निकाल सकते हैं, जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। इस तरह से बहुत सारे इनेबल्ड फंक्शंस होते हैं मैथ डॉट लाइब्रेरी के अंदर, मैथ डॉट लाइब्रेरी के अंदर, जो हम आपको बताएंगे कि ये कहां से लिखते हैं, कहां से लेते हैं। ये इनबिल्ट होते, सेव्ड होते, इनके प्रोग्रामिंग कोड करने की अपने को जरूरत
नहीं है। अगर अपने को किसी भी नंबर का पावर नंबर कितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहिए या SQRT निकालना, तो हम डायरेक्ट इन फंक्शन का यूज करके उसको अपने प्रोग्राम में यूज में ले सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा कि आपको सिंपल एक पावर निकालना था, उसके लिए आप एक बड़ा सा कोड लिखोगे, उस बड़े से कोड को आप एक छोटे से कोड में ट्रांसफर करोगे, तो पता चलेगा कि आपका काम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसको आसान करने के लिए क्या है कि एक्सप्रेशंस को बाय डिफॉल्ट कुछ एक्सप्रेशंस को अंदर बना के छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, अपने अंदर बुला सकते हो, अपने काम को कर सकते हो, उसके बाद उनको फ्री कर सकते हो। ठीक है, अगर इसके ऊपर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, और बाकी जो मेरे पुराने 4 लेक्चर्स हैं उनको देखिए। आज ये 5वां लेक्चर हमारा, लेक्चर 5 हमारा जावा एक्सप्रेशंस के ऊपर भी कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम लोग आएंगे प्रोग्रामिंग पे, सिंपल सिंपल प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी हम ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप अपना नाम डालोगे और प्रिंट होगा, और एक ऐसा प्रोग्राम करेंगे जिसमें आप पूछोगे कि भैया अपना नाम बता दो, उसके बाद फिर आप उसको प्रिंट कर दोगे। ठीक है, अभी हम छोटा सा ही प्रोग्राम करेंगे, मगर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 6 में हम लोग इसको ध्यान देंगे। और बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कमेंट करके बता सकते हो बच्चों। और ये मैं लेक्चर फिर से बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए है जो इंटीरियर में है, जहाँ पे अच्छी सुविधा नहीं है, और जहाँ पे आप ऑनलाइन पढ़ते भी हो, पढ़ना भी चाहते हो, मगर आप लोगों को बेसिक कंटेंट नहीं मिल रहा है, सीधे हाईफाई हो जा रहा है। तो उस हाईफाई लेवल पे नहीं जा रहा हूँ मैं सिर्फ बेसिक कंटेंट अभी बता रहा हूँ। हाईफाई लेवल पे पढ़ाने के लिए पूरी दुनिया पढ़ी है सर, मगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आपको कोई कुछ नहीं सिखा सकता। आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, और वही मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी ये फाउंडेशन मजबूत रहे प्रोग्रामिंग के टर्म्स में, जिससे आप कोई भी लैंग्वेज कर सको, सीख सको। और इसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए हूँ अवेलेबल 24/7। हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भी करेंगे मगर बेसिक सीखने के बाद। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, टेक केयर।